क्या आप फेसबुक से कॉपी पेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? अगर हाँ तो यह वीडियो होने वाली है आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा कॉपी पेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ। क्योंकि पिछली वीडियो मैंने बोला था कि मैं आपको फुल वीडियो लेके आऊंगा, इसके ऊपर आपको कैसे एडिट करना है, कैसे डालना है, सब कुछ प्रोसेस मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। क्योंकि आ चुका है 2024 और 2023 जा चुका है, पहले पता नहीं आप वीडियो डालते थे या नहीं डालते थे, लेकिन 2024 में आपको एक फेसबुक पेज बना लेना चाहिए अगर अभी तक आपने एक फेसबुक पेज नहीं बनाया। क्योंकि 2024 में बहुत से रूल्स चेंज हो गए हैं फेसबुक के। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी कैटेगरी पे काम करना है। अगर आप न्यू हो और आपको फेसबुक पेज बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक दे रखा है वीडियो का, उसमें मैंने पूरा एसईओ के साथ कैसे फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं सब कुछ उसमें मैंने बता रखा है। और उसके बाद आपको वीडियो कैसे डालनी है, कैसे एडिट करना है, कौन सा कंटेंट डालना है जो जल्दी से जल्दी वायरल हो जाए, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूं मेरी मोबाइल की साइड स्क्रीन में, और साइड स्क्रीन में जाके सबसे पहले तो मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूं कि आगे कौन सा कंटेंट आपको डालना है। मैं यहां पे मेरा फेसबुक पेज को कर देता हूं सिंपली ओपन। ओपन करने के बाद यहां पे सर्च बार आता है, आपको पता है यहां पे सर्च बार आता है, यहां पे देखो सर्च बार आ रहा है। और यहां पे हम सर्च करेंगे, एक फेसबुक पेज है इसको हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। अब देखो ये आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनके फॉलोअर्स 5.2 मिलियन यानी कि 50 लाख के समथिंग यहाँ इनके फॉलोअर्स है। अब मैं इसमें जैसे सिंपली क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद ये देखना कौन सी कैटेगरी यहाँ पे इन्होंने डाल रखी है पेज की, क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है जब हम पेज बनाते हैं तो हम कैटेगरी गलत सेलेक्ट यहाँ पे कर देते हैं, गलत सेलेक्ट कर देते हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे व्यूज नहीं आते हैं। अब देखो इन्होंने पेज की कैटेगरी यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग कर रखी है, तो आपको भी पर्सनल ब्लॉग करना है। बाकी नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ और कंटेंट आपको दिखा देता हूँ। 12 आवर्स पहले इन्होंने एक वीडियो डाली थी, यहाँ पे आप देख सकते हो 29,000 यहाँ पे व्यूज आ चुके हैं। 15 आवर्स पहले इन्होंने एक वीडियो डाली थी, 15,000 यहाँ पे व्यूज आ चुके हैं। 18 आवर्स पहले यहाँ पे वीडियो डाली थी, 20,000 यहाँ पे व्यूज आ चुके हैं। उसके बाद देखो 21 आवर्स पहले 100K व्यूज यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि 1,00,000 व्यूज आ चुके हैं। और दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे 71K व्यूज आ चुके हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि ये किस टाइप की वीडियो यहाँ पे डालते हैं और हर 2 घंटे में वीडियो अपलोड करते हैं। आप पूछते हो कि दिन में कितनी वीडियो अपलोड करनी चाहिए, तो यहाँ आपको साबित होता है कि आप कितनी वीडियो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो, ये देखते हैं कि इन्होंने ये फेसबुक पेज कब क्रिएट किया था। जैसे मैं अबाउट सेक्शन पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है फरवरी 20, 2021 को क्रिएट किया था, लेकिन ये वर्क अभी से करना स्टार्ट किए हैं 2 महीने पहले से, क्योंकि मैं इनको पहले से फॉलो कर रहा हूँ। मोर वाले सेक्शन पे जाते हैं, रील्स वाले सेक्शन पे जाते हैं और इनके और व्यूज हम देख लेते हैं। यहाँ पे 519 के, 292 के, 517 के, और आप यहाँ पे देख सकते हो व्यूज इतने अच्छे आ रहे हैं। बाकी अब बात करते हैं कि हमको वीडियो कहाँ से लानी है। ये इनकी कैटेगरी है एक्सपेरिमेंट की, तो आप चाहो तो अगर स्टार्ट में अपने पेज को ग्रो करना चाहते हो तो आप वीडियो यहाँ से उठा सकते हो और अपने क्राइटेरिया को मोनेटाइज के क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हो। एड्स और रील मिल गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप यूट्यूब से वीडियो उठा सकते हो। अब मैं यूट्यूब से आपको वीडियो उठा के बता रहा हूँ आपको वीडियो यहाँ पे कैसे उठानी है। यूट्यूब पे मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ, यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पे वापस मैं ओपन करता हूँ रिफ्रेश करके, थोड़ा सा यूट्यूब को मैंने यहाँ पे कर दिया मेरे YouTube को यहाँ पे ओपन। ओपन करने बाद यहाँ पे सर्च बार पे आपको क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने बाद एक्सपेरिमेंट सोर्स यहाँ पे आपको लिख देना है, जहां आपके पास यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे। देखो मैं यहाँ पे एक पे क्लिक कर देता हूँ, इसमें पहले वाले पे कर देता हूँ। आप यहां से वीडियो ले सकते हो, यहां से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्टार्ट में वर्क कर रहे हो तो आपको वीडियो फेसबुक से ही लेनी है, यानी कि इन्हीं के पेज से आपको वीडियो लेनी है। जैसे मैंने आपको बताया था फेसबुक पेज का नाम, ये देख सकते हो कि फेसबुक पेज का नाम आ चुका है। इस पे जैसे मैं सिंपली क्लिक करूंगा और जो इन्होंने ये वीडियो डाली थी इसको मैं सिंपली यहां से उठा लेता हूं। देखो 1 मिनट पहले अब वापस से इन्होंने वीडियो डाल दिए, यानी कि हर 2 घंटे में ये वीडियो डालते हैं। शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, कॉपी लिंक करता हूं और वापस आना आपको क्रोम में। क्रोम में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है, यानी कि लिखना है फेसबुक रील डाउनलोड। इतना लिखने के बाद सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट वीडियो को कर देना है और डाउनलोड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने वो वीडियो खुल के आ जाएगी जब हम करेंगे डाउनलोड। 720 HD में हम डाउनलोड इसको कर लेते हैं। अब मेरी वीडियो हो रही है यहाँ पे डाउनलोड।
अब बात करते हैं कि हम सीधा ही डाल देंगे तो हमारे आ जाएगा कॉपीराइट इशू या कोई भी इशू आ सकता है। बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। अब आपको आ जाना है अपने या तो काइनमास्टर एप्लीकेशन में या फिर यूकट एप्लीकेशन में। आपको यूकट एप्लीकेशन में आ जाना है, आने के बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और जो वीडियो डाउनलोड की थी उसको सिंपली आपको ले लेना है। अब मैंने यहाँ पे वीडियो ले ली है जो डाउनलोड की थी। आपको फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसका थोड़ा सा फिल्टर को चेंज कर देना है जो आपको अच्छा लगे, और थोड़ी स्पीड है उसको यहाँ पे आपको इंक्रीज कर देना है, यानी कि बढ़ा देना है। अब मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, यहाँ पे देख सकते हो 25 सेकंड की वीडियो हो चुकी है यहाँ पे, और इसके अलावा आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है जब तक आपका पेज मोनेटाइज नहीं हो जाता है। इसके बाद आपको कर देना है सेव, क्योंकि मैंने यहाँ पे एडिट इसलिए किया है, अगर हम एक जैसी वीडियो डालेंगे तो फेसबुक कभी भी आपकी वीडियो को वायरल नहीं करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा हो रहा है यहाँ पे सेव। सेव होने के बाद बात करते हैं कि हम डालें कैसे, टाइटल कौन सा डालना है, क्या डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है। चलो अब मैं बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे फेसबुक पेज ओपन कर दिया है, करने के बाद जैसे मेरा ये पर्सनल यानी कि मेरा खुद का यहाँ पे फेसबुक पेज ओपन हो चुका है, इस पे जैसे मैं आपको एक डाल के बताता हूँ। इस पे जैसे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद जैसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ एक ऑप्शन आ रहा है रील का, इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। पहले वीडियो थी 30 सेकंड की और अब वीडियो है 25 सेकंड की एडिट करने के बाद, इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ कह रहा है डिस्क्राइब योर रील, यू कैन ऑल्सो एड हैशटैग हियर, यानी कि आप अपना जो रील है किस कैटेगरी से रिलेटेड है यहाँ पे आप लिखो, और अपना हैशटैग यानी कि वायरल हैशटैग यहाँ पे लिखो जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड है। आपको यहाँ पे टाइटल वगैरह कुछ नहीं लिखना, आपको ओनली हैशटैग एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिख देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैशटैग एक्सपेरिमेंट, ये लो बस इतना लिखना है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद आपको शेयर नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही आपको हर एक घंटे में, स्टार्टिंग में बता रहा हूं आपको, जब अपने फेसबुक पेज न्यू फेसबुक पेज पे आप वर्क करते हो, स्टार्टिंग में आपको एक एक घंटे में एक एक रील आपको डालते रहना है। पर डे की आपको कम से कम 10 रील डाल देनी है और ऐसे आपको 15 से 20 दिन तक रेगुलरली वर्क करना है। ऑटोमेटिक आपका फेसबुक पेज वायरल हो जाएगा और उसके बाद आप जैसे मैं आपको बताऊं वैसे आपको वर्क करना है। आपको जब फेसबुक पेज मोनेटाइज हो जाए तो उसके बाद आपको सीधा ऐसे नहीं उठाना है, आपको थोड़ा बहुत चेंजिंग करना पड़ेगा। आप चाहो तो आप वीडियो यूट्यूब से भी उठा सकते हो और आप चाहो तो वीडियो इनके पेज से भी उठा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपकी वीडियो वायरल हो जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बता जाना कि हाँ भैया मेरा वीडियो वायरल हो गया और मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं आपके लिए वायरल कंटेंट में धमाकेदार। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।